सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। सृष्टि, सार्थक का वेट कर रही हो? लेकिन वो तो फॉरेन डेलीगेट्स को अमौजी एयरपोर्ट ड्रॉप करने गया है। सार्थक से कुछ काम था? वेल, सार्थक ने मुझे तुम दोनों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। सी, आई नो कि तुम दोनों के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का मेरा कोई हक नहीं बनता, बट स्टिल अ सार्थक्स फ्रेंड, मैं तुमसे बस एक चीज कहना चाहूंगी कि सार्थक तुम्हारा फ्रेंड पहले और पति बाद में है। तुम सार्थक को, उसके लाइक्स, डिसलाइक्स, हैप्पीनेस को अच्छे से समझती हो, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी ऑनेस्ट फ्रेंड ये चाहेगा कि उसकी वजह से उसके फ्रेंड को कोई परेशानी हो। इंटेलिजेंट हो तुम, एंड यू नो कि आज के टाइम में हम किसी बच्चे को जबरदस्ती टॉफी भी नहीं दे सकते। जबरदस्ती का रिश्ता तो भी दूर की बात है। I hope you're getting my point. Baki, your life, your decision. सही कहा आपने। ये हमारी और सार्थक की जिंदगी है और हम हर फैसला मिल बांट कर कर लेंगे। इसमें आपको इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। Still, thank you. आपकी इस एडवाइस के लिए। और हाँ, एक बात और, रिश्ते जबरदस्ती से नहीं जोड़े जाते, क्योंकि रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, और जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं उनमें भले ही मनमुटाव आ जाए मगर वो रिश्ते खत्म नहीं होते, कभी नहीं। सृष्टि, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम हमारे पीछे क्यों पड़ी हो? अरे छोड़ क्यों नहीं देती हमें अकेला? प्यार करते हैं हम तुमसे, इतनी आसानी से कैसे जाने दे तुम्हें? प्यार करती हो ना, केवल प्यार करती हो, समझती नहीं हो। खैर, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि हम घर वापस नहीं आने वाले। समझ गई तुम? जाओ यहां से। एक मिनट, तुम आज मायरा से मिली थी ना? तुमने उससे बात भी की? हम उससे नहीं मिले थे, मिली वो हमसे थी, और बात भी पहले उसकी। मायरा हमारी बॉस, कब कहां किससे कैसे बात करनी है, इतनी भी अकल नहीं है क्या तुमको? वही तो, मायरा तो तुम्हारी बॉस है ना, फिर तुमने हमारी निजी जिंदगी की बातें, हमारी दिक्कतें उसे क्यों बताई? तो इस बात पर तुम हमसे यहाँ लड़ने आए हो? हम तुमसे लड़ने नहीं आए हैं सार्थक, हम तो तुम्हें मनाने आए हैं, घर वापस ले जाने आए हैं। सार्थक वापस घर चलो ना, वो घर बिल्कुल सूना है तुम्हारे बिना, सब अधूरे हैं। मम्मी जी, पापा जी, यश दीदी, बस हो गया सृष्टि, घर चलो, घर चलो, नहीं जाना हमें घर। बोल रहे पीछा छोड़ दो हमारा, नहीं दिक्कत क्या है अलग होने में बताओ, मैं दिक्कत क्या है? पैसे की दिक्कत है, हम सॉल्व करेंगे तुम्हारी पैसे की दिक्कत। हम जानते हैं सृष्टि कि तुम नौकरी नहीं कर सकती, तो हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, जितना चाहोगी जैसे चाहोगी वैसे भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। क्या क्या देख रही हो ऐसे? सच कह रहे हैं हम देंगे पैसा तो, पर प्लीज हमारा पीछा छोड़ दो यार।
हमारे इतने सालों की दोस्ती, इतने सालों का प्यार तुम अब पैसों में तोलोगे? सही कह रहे हो तुम, हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए और तुम हमें नहीं समझ पाए, क्योंकि अगर समझ पाते ना तो इस बात को समझते कि हम पत्नी है तुम्हारी, और एक पत्नी को सिर्फ अपने पति से प्यार चाहिए होता है सार्थक, ये सब पैसे वैसे नहीं। पर तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, जानते हो क्यों? क्योंकि अपनी इस नई दुनिया में, अपने इस जुनून में तुम्हारी सोच बहुत छोटी हो गई है, अंधे हो गए हो तुम, एकदम कुग्गर्स। क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, जिंदगी जीना चाहते हो, हम तुम्हें रोक रहे हैं ना, तुम्हें जिंदगी नहीं जीने दे रहे, घुट घुट के जी रहे हो तुम हमारे साथ, दिक्कत है ना तुम्हें? आजादी चाहिए ना हमसे, लो दी हमने आजादी। खुद से, रिश्ते से सार्थक की जिंदगी में सृष्टि का चैप्टर खत्म। जाओ जाओ, जियो अपनी जिंदगी। हम हर महीने तुम्हें पैसा भेजेंगे, जितना चाहोगी जैसे चाहोगी वैसे भेजेंगे, लेकिन हमारी जिंदगी से चली जाओ प्लीज। हमारा पीछा छोड़ दो यार। हमारी तरफ से ये आदर्श बहू का खिताब।
सृष्टि, बेटा इस तरह से जाकर सार्थक की गलती को बढ़ावा ना दो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा बेटा। अब हम कुछ हासिल करना चाहते भी नहीं है पापा जी। तुम ऐसे हार कैसे मान सकती हो बेटा? हम हार नहीं मान रहे हैं, बस अपनों की खुशियों के लिए अपने कदम पीछे हटा रहे हैं। उनकी खुशियों के लिए झुक रहे हैं। ये घर टूट जाएगा बेटा। ये घर हमारे यहां रहने से टूट रहा है। हम जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बेटा, एक तुम ही तो थी जो इस घर को अपनी समझदारी से संभाल के रखा था। सारा कुछ, सब कुछ एकदम व्यवस्थित। नहीं पापा जी, जिसे आप समझदारी कह रहे हैं वो तो हमारी गलतियां थी। तभी तो देखिए आपत यहां तक आ गई, सिर्फ हमारी वजह से। गलती तो सिर्फ सार्थक की ही है, जो तुम्हें समझ ही नहीं पाया। पर हम उसे समझा सकते थे ना, अपने प्यार से उसे समझा सकते थे हम। अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, हम हार गए। उससे रिश्ता निभाने में हम हार गए। और देखिए ना, सिर्फ हमारी वजह से आज आपका बेटा आप सबसे दूर कर दिया हमने। सार्थक ने खुद इस परिवार से और हम लोगों से अपने आप को अलग किया। तुमने उसे हमसे दूर नहीं किया बेटा, तुम्हारी वजह से तो हम एक आस लगाए बैठे थे, एक उम्मीद में जी रहे थे कि एक दिन सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं पापा जी, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी ही गलती है। हम सबसे तो बहुत प्यार करता है वो। जिस प्यार के लिए वो सबसे लड़ गया, जब उस प्यार को नहीं निभा पाया, उसकी कदर नहीं कर पाया, तो हमारे लिए क्या खड़ा होगा वो बेटा? नहीं पापा जी, आप उसके बारे में ऐसा मत कहिए। आप सबके लिए वो कुछ भी कर सकता है। गलती तो हमारी है, हम ही हार गए। हमने अपने रिश्ते निभाने में कोई कमी छोड़ दी। तभी तो ना ये परिवार हमें पूरे दिल से अपना पाया और ना सार्थक। हमारे पप्पा भी ना, उड़ता तीर पकड़ने की आदत है इन्हें। अरे बड़ी मुश्किल से तो बला टल रही है, टलने दो। इस घर में हम तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाए थे बेटा, अपने पिता की बात का इतना भी मान नहीं रखोगी? रुक जाओ बेटा, हमारे इस परिवार को इस तरह बिखेर करना चाहो? हमें मत रोकिए पापा जी, क्योंकि हम रुक नहीं पाएंगे। अगर हमारे बस में होता तो हम यहां से कभी नहीं जाते। अगर आज बात हमारे स्वाभिमान की है, आप ही बताइए हमें, आपकी बेटी अपने स्वाभिमान को नजरअंदाज करके सर झुकाकर जिए, या फिर एक मुश्किल फैसला लेकर अपनी जिंदगी गर्व के साथ जिए?
हर्षो, आप चाहते हो ना मामा घर आ जाए तो फिर मामी को जाने दो। जब तक मामी नहीं जाएंगी ना मामा घर नहीं आएंगे। पर आप भी रहो ना मामी, मामा और आप दोनों यहाँ पे साथ में रहो। आप क्यों जा रहे हो, मत जाओ ना। अपना ख्याल रखना। अरे ओ यश इधर आ। रानी, तुम्हारी आंखों से इतने मोटे मोटे आंसू क्यों गिर रहे हैं? बता ना बेटा क्या हुआ? का? मा, मा, सृष्टि, सृष्टि क्या हुआ बेटा? तू यहां ऐसे बैग लेकर क्या हुआ है सृष्टि? हम वो घर छोड़ आए हैं। हो गया सबका नाश, आ गई हमारी जिंदगी का बोझ वापस हमारे सर पे। तुमने इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी ले लिया, ये तुमने गलत किया है सृष्टि। तुम्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। आपको लगता है पापा हम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा कदम यूं ही उठा लेंगे? हमने बहुत सोचा, बहुत कोशिश की चीजें संभालने की, अपने रिश्ते निभाने की, अगर अब बात हद से आगे बढ़ चुकी है, हमें और कोई रास्ता नजर नहीं आया। रास्ते निकालने पड़ते हैं, बनते हैं रास्ते। थोड़ा सब्र रखती, थोड़ी हिम्मत रखती, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता। हमने सब रखा पापा, हर दिन खुद को समझाया, हर दिन सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, मगर अब हमारी हिम्मत टूट गई है, हम और नहीं सह सकते। हम जानते सार्थक के मन में अब ना हमारे लिए प्यार है ना हमारी कोई फिक्र, हम कैसे रहे वहां? ऐसा नहीं होता है सृष्टि, रिश्तों में कभी कभी प्यार कम हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्यार खत्म हो गया है। और फिर तुम उसकी पत्नी हो, तुम्हें हर हाल में उसका साथ देना चाहिए। तभी तो कोशिश की हमने माँ, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है, पूरी कोशिश की, पर अब हमसे नहीं हो रहा। और आप ही बताइए ना, क्या सारे फर्ज एक पत्नी के ही बनते हैं? वो हमारा पति है, पति होने के नाते उसके भी तो फर्ज बनते हैं ना? हाँ बनता है, होता है ऐसा, लेकिन एक पत्नी का फर्ज होता है कि वो पति के रंग में रंग जाए। तुम्हें बदलना चाहिए, तुम ऐसे पीछे हटकर अपना रिश्ता नहीं तोड़ सकती। क्यों माँ, सिर्फ हमें क्यों बदले? प्यार तो हम दोनों ने एक दूसरे से किया था ना, रिश्ता तो हम दोनों का है, तो फिर सिर्फ हम क्यों बदले? क्या वो हमारे लिए जरा भी नहीं बदल सकता? बदलता वो है जो गलत होता है, और सार्थक जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है।
अरे बेटा यही उम्र है कामयाबी पाने की, अगर ये वक्त निकल गया तो सार्थक कुछ नहीं कर पाएगा। और वो आखिर ये सब कर किसके लिए रहा है, किसके लिए? तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे लिए। तुम्हें उसका साथ देना चाहिए ना कि कोई सवाल नहीं। बच्ची की हालत तो देखो, तुम्हें क्या लगता है वो ऐसे ही आ गई होगी? हम अपने लाडली को अच्छे से जानते, ये फैसला करते वक्त वो अंदर से टूट गई होगी। इसके समाधान के लिए उसे समय चाहिए, हम फिर बात करेंगे। चल बच्ची, चल हमारे साथ। कुछ तो कर अधीरा, वरना अगर सृष्टि दोबारा यहां बस गई तो तेरी जिंदगी तो खत्म है।